जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी केंद्रीय राज्य मंत्री आशीष मिश्रा तेरी जो बेटा है केंद्रीय राज्य मंत्री का, उसको रिहाई मिल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि 3 महीने के बाद रिहाई हो गई है, जमानत पर उसे रिहा किया गया है। आशीष मिश्रा टेनी, जिसको लेकर पेपर वर्क चल रहा था, और इस वक्त की बड़ी खबर यही है, लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की रिहाई का आदेश जेल में पहुंचा और उसके बाद उसको रिहा कर दिया गया। 1.5 घंटे कागजी कार्रवाई पूरे होने में लगे, उसके बाद उसकी रिहाई हो गई है। आपको बता दें कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से बीते गुरुवार को ही जमानत मिल गई थी। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच से 10 फरवरी को जमानत मिलने के बाद कागजी कार्रवाई पूरी होते ही आशीष मिश्रा अब लखीमपुर जेल से रिहा कर दिया गया। आपको बता दें, हालांकि जमानत तो पहले ही मिल गई थी 10 तारीख को, लेकिन 2 धाराओं का जुड़ा ना होना जिसके कारण उसको जेल के भीतर ही रहना पड़ा था। आपको बताते चले, लखीमपुर पुलिस ने आशीष मिश्रा पर क्राइम नंबर 219/21 पर FIR दर्ज की थी। विवेचना के दौरान दाखिल की गई चार्जशीट में IPC की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 34, 427 और 120 बी के साथ कुछ और धाराएं भी आर्म्स एक्ट की शामिल की गई थी, लेकिन कुछ धाराओं में उसे जमानत मिली थी। जबकि जब भी जमानत दी जाती है उस समय तमाम धाराओं का पेपर में जुड़ा होना जरूरी होता है, इसीलिए सभी धाराओं में जमानत मिलने के बाद ही उसकी रिहाई हुई है। यही वजह है कि शुक्रवार को आशीष मिश्रा के वकील को हाईकोर्ट में बेल ऑर्डर की करेक्शन एप्लीकेशन डालनी पड़ी थी। सोमवार को सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर में IPC 302 और 120 बी भी जोड़ दिया जाए, लेकिन अब रिहाई हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त यह है, आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री के बेटे पर किसानों के कत्ल का इल्जाम है, वो जेल तो जाता है लेकिन 3 महीने में जेल से बेल पर बाहर आने का बंदोबस्त करने में कामयाब हो जाता है, जिसको लेकर किसानों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। तो अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, जिसकी जमानत हो गई, उसकी रिहाई हो गई है, लेकिन जिस तरह से 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए, अभी 5 चरणों के मतदान बाकी हैं।